हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल आप सब जानते हो डी ट्रिपल एसफिक प्रिपरेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के लिए मैंने डिफरेंट कोर्सेज अपने चैनल पर स्टार्ट किए हुए हैं अगर आप डी एस एस में पी आई टी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो साइकोलॉजी के कोर्स के साथ जुड़ सकते हो जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और जिसमें मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराती हूँ अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न अगर बात करूँ अन्य कोर्सेज की तो जी के और हिंदी का कोर्स भी साथ में स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और साथ में जानते हैं काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन और मैं आप लोगों को साथ में काफ़ी सारी कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर करती हो और न्यू डेटा भी प्रोवाइड कराती हूँ सो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए करते हैं क्लास स्टार्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर चैनल के साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हो या वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर करना ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे स्क्रीन पर देख सकते हो इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर वन हालांकि यहाँ पर फोर्टीन लिखा हुआ है लेकिन वीडियो का ही क्वेश्चन नंबर वन पूछा गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है तो बेटा फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स पूछा गया है कि व्हाट इज द रिटायरमेंट एज फॉर कोर्ट जज जजेस ठीक है तो रिटायरमेंट एज की अगर बात करूँ तो बेटा ये है बासठ साल अगर यहाँ पर पूछ लिया जाता कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट आयु कितनी है तो राइट आंसर हो जाता है पैंसठ वर्ष तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को याद रहनी चाहिए अगर आपसे हाई कोर्ट के जज की पूछी जाती है तो बेटा सिक्सटी टू राइट आंसर होगा अगर आप लोगों से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की पूछी जाती है तो सिक्सटी फाइव ईयर्स राइट आंसर होगा यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हाल ही में ना थोड़ी सी ये चली थी कि बात हुई थी इसी साल बात करूँ तो तो बात ये हुई थी कि जो 62 टू ईयर्स है ना हाई कोर्ट की एज उसको बढ़ा करके 65 कर दे इस टाइप का बात चली थी लोकसभा में बिल पेश हुआ था लेकिन वो जो प्रस्ताव है वो माना नहीं गया तो इसलिए अगर आपका ये वाला क्वेश्चन दोबारा से आता है और हो सकता है आई तो आप लोगों का राइट right आंसर 62 टू ईयर्स ही होगा एज पर नाउ डेट मतलब कि आज के तिथि के अनुसार बता रही हूँ आगे कुछ हो जाए तो वो अभी मैं बाद में अपडेट कर दूंगी लेकिन अभी फिलहाल जो राइट आंसर होगा वो सिक्सटी टू ईयर्स ही होगा मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो वीडियो का क्वेश्चन नंबर टू पूछा है भारत ने डैश पदक के साथ कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप 2019 में अपना अभियान समाप्त किया सो so, पांच पदक फाइव मेडल्स जो है वो कॉलोन बॉक्सिंग विश्व क, विश्व कप 2019 में जीते थे और एक चीज़ और बताना चाहूंगी कि ये जो कॉलोन ये जो जगह का नाम आप लोग पढ़ रहे हो ना बेटा ये है आपका जर्मनी में कौन सा देश में है जर्मनी में ये आयोजित हुआ था और यहाँ पर एक जो सिर्फ गोल्ड मेडल जीतने वाली जो एक ही थी लड़की उसका नाम था मीना कुमारी ठीक है ये याद रखिएगा मीना कुमारी मैं इस नाम उसका नाम था और इन्होंने ही यही इकलौती थी जो कि गोल्ड मेडल जीत करके लाई थी हो सकता है आप लोगों से पूछ लिया जाए क्योंकि डी एस एस इस इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछ लेती है कई बार जो कि दो साल या तीन साल पुराने हो तो इस टाइप के भी क्वेश्चन दे देती है तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को याद रखनी जरूरी है मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर थ्री पूछा गया है निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा रेखा है इंडिया शेयर लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच कंट्री सो so, ऑप्शंस uh, जो है वो दिए हुए बेटा अफगानिस्तान बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश अगर बांग्लादेश की बात करूँ तो ये कुल 4096.7 किलोमीटर इतना जो बॉर्डर है ना वो शेयर करता है और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है सेकेंड लार्जेस्ट बॉर्डर जो शेयर करता है भारत के साथ वो हो जाता है चाइना करीब चार हजार छप्पन किलोमीटर लंबा और उसके बाद जो नंबर आता है बेटा वो आता है पाकिस्तान जो है वो करता है थ्री थ्री टू थ्री किलोमीटर तो ये आप लोग याद रख सकते हो मूवन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो वीडियो का क्वेश्चन नंबर फोर पूछा गया है औरंगाबाद में प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का निर्माण डैश की स्मृति में किया गया था सो so, बीबी का मकबरा जो है सबसे पहले तो ना ये यहाँ पर ये आपको राइट आंसर तो दिख ही रहा है कि राविया उदुरानी के जो स्मृति में ये बनाया गया है बीबी का मकबरा और साथ में एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाते है, जाता है कि ये जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था ठीक है अगर ये क्वेश्चन आता है तो राइट आंसर हो जाएगा आजम शाह राइट right आंसर हो जाएगा आजम शाह और इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल पूछ ले जाते हैं तो बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है याद रखिएगा हमेशा मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो वीडियो का क्वेश्चन नंबर फाइव पूछा गया है कैलाश सत्यार्थी को 2014 में डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था तो नोबेल पीस प्राइज मिला था कैलाश सत्य सत्यार्थी को अलोंग विद नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा मलाला यूसुफ जई का मलाला यूसुफ जई का तो इन दोनों को साथ में मिला था क्या नोबेल पुरस्कार शांति की फील्ड में ठीक है तो अगर ये पूछा जाता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शांति की फील्ड में मिला है और इन दोनों को मिला है कैलाश सत्यार्थी पूछा है मलाला पूछे तब भी यही राइट आंसर होगा और ईयर ज़रूर याद रखेगा 2014 में ये मिला है और इन्होंने जो है बाल श्रम के विरुद्ध जो काम किया था ठीक है चाइल्ड लेबर एंड एक्सप्लॉटेशन के अगेंस्ट इन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी उसके लिए इनको ये जो सम्मान है ये मिला था मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो वीडियो को क्वेश्चन नंबर सिक्स पूछा गया है डैश संवैधानिक संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु साठ वर्ष से बढ़ाकर बासठ वर्ष कर दी तो सिक्सटी से जो सिक्सटी टू ईयर्स हुई रिटायरमेंट एज ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट तो ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो कौन सा था तो बेटा वो था आपका फिफ्टीन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर बात करो तो सेक्शन फोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1963 के अंदर ये वाली चीज़ आ जाती है ठीक है तो ये मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी है कि अभी जो इस साल बात चली कि बासठ से पैंसठ वर्ष कर दिया जाए इसको भी बढ़ा करके लेकिन अभी फिलहाल जो है वो आप लोगों की बासठ वर्ष ही है तो यहां पर यही करंट डेटा जो है आप लोग अभी फ़िलहाल यही याद रखें रखेंगे अगर बढ़ती घटती है तो आगे वीडियो बना दी जाएगी मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो वीडियो का क्वेश्चन नंबर सेवन पूछा है मेड्रिड ओपन टेनिस 2019 में महिला एकल का खिताब किसने जीता तो बेटा ये जीता है किसने स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो की की बर्टिन ने ये जो खिताब है ये जीता है मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो वीडियो का क्वेश्चन नंबर एट पूछा व्हेन लावनी इज परफॉर्म्ड इन क्लोज क्वार्टर्स बाय अ यंग गर्ल फॉर अ सेट ऑफ डिग्नेटरीज इट इज कोल्ड डैश लावनी तो कौन सा लावनी है जो यंग गर्ल जो है वो परफॉर्म करती है क्लोज क्वार्टर्स में तो राइट right आंसर हो जाएगा क्या बैठा किची लावनी और ये जो लावनी है ना डांस अनेक बार डीएसएसवी में आ चुका है ठीक है अनेक बार डीएसएसवी में आ चुका है कि ये कहाँ पर किया जाता है कहा का लोक नृत्य है तो राइट आंसर हो जाता है महाराष्ट्र क्या राइट आंसर हो जाता है महाराष्ट्र तो ये चीज जरूर याद रखिएगा और और अगर थोड़ी सी और information तो बेटा ये जो श्रृंगारी नृत्य है अगर आप लोगों से ये ये पूछ लिया जाए कि कहा का लोक नृत्य है तो बेटा राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा क्योंकि बड़े ही अटपटे से डांसेस और म्यूजिक आप लोगों से पूछे जाते हैं तो अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है ना तो उसको बिल्कुल ध्यान से सुना कीजिए अगर बात करूँ ये जो देख रहे हो आप पहाड़ाची तो ये भी लावनी की ही एक किस्म है लावनी की ही एक किस्म है ये भी ठीक है तो यहाँ पर याद ये रखिएगा लावनी जो है वो महाराष्ट्र में परफॉर्म किया जाता है श्रृंगारी जो डांस है वो ओडिशा में किया जाता है और साथ में ये जो बैठा किची वाला है ये वाला भी याद रखिएगा मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मिक्स इन डैश वर्क का एक उदाहरण है तो राइट आंसर यहाँ पर देख सकते हो आंसर है बेटा साइक्लोस्टोमेटा क्या है आंसर साइक्लोस्टोमेटा ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो वीडियो का क्वेश्चन नंबर टेन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो पूछा है कमल मंदिर को डैश के रूप में भी जाना जाता है तो लोटस टेंपल का दूसरा नाम जो है बेटा वो है बहाई मंदिर ठीक है बहाई टेंपल के नाम से भी इसको जाना जाता है लोटस टेंपल जो है वो दिल्ली में ही है ठीक है दिल्ली में ही है अगर आपसे पूछा जाए तो और अगर आप गए भी होगे तो वहाँ पर आप लोगों को ने सुना भी होगा जो प्रचारक है वो बहाई के बारे में बताते हैं तो बहाई मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है अगर बात करूँ मीनाक्षी मंदिर की कई बार पूछला जाता है मंदिर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो मीनाक्षी मंदिर की अगर बात करूँ ना बेटा तो ये है मधुरई मधुरई कहाँ पर है अब मधुरई है तमिलनाडु में तो मधुर मधुरई तमिलनाडु में ये मीनाक्षी टेम्पल स्थित है और ये जो है वो जो लोड शिवा की जो नटराज अवतार है ठीक है लोड शिवा के लिए ये जाना जाता है प्रचलित है ठीक है सो so, आशा करती हूँ आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है ये काफी हेल्पफुल रही होगी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज का वेट करो सब्सक्राइब ना हो और सब्सक्राइब के साइड में बेलाइकन होगा उसको प्रेस जरूर करना ताकि आपको नई वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे आप नई वीडियो देखिए उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर य्यूचर